देश में समय नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की। बताया भी जा रहा है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर सर्च किया है और ये एक सर्च लगातार जारी है। यहाँ नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। ईडी सुबह 10 बजे से हेराल्ड हाउस में दाखिल हुई थी। उधर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया था। बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद उत्तर रेड्डी ने ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि ये चौंकाने देने वाला है, ये राजनीतिक बदले के अलावा कुछ भी नहीं। दस्तावेजों की तलाश में नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और इस दौरान 10 जनपद पर हुई बैठक के दस्तावेज की भी तलाश की जा रही है। इससे पहले 27 जुलाई को ही ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किया था। ये पूछताछ 3 दिन तक चली थी। इस दौरान ईडी ने सोनिया से हेराल्ड से जुड़े 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे। सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से भी 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किए गए पूछताछ पर कांग्रेस जोरदार विरोध करती रही। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे पंडित नेहरू ने साल 1938 में शुरू किया था। इसका मालिकाना हक एसोसिएट जोन्स लिमिटेड यानी कि AJL के पास था, लेकिन 70 साल बाद साल 2008 में घाटे की वजह से अखबार को बंद करना पड़ा। आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से कांग्रेस के फंड से 90 करोड़ का लोन AJL को दिया गया। बाद में सोनिया और राहुल ने यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाकर इस अखबार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की भी हिस्सेदारी थी। दोनों का निधन हो गया है। साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से एक याचिका दाखिल कर इस पूरे कथित सौदे पर सवाल उठा दिए गए थे। साल 2014 में सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया था। इसके बाद ईडी इस मामले में जांच कर रही है। वही साल 2015 में दोनों नेताओं को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत भी दी गई थी। वहीं साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं को कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की इजाजत दे दी, लेकिन केस को बंद नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।